यू। एक्चुअली हमने काफ़ी जब हम गाने के ऊपर काम कर रहे थे हमने काफ़ी मज़े किए काफ़ी इट वॉज़ अ फन रिकॉर्डिंग टू स्टार्ट विद क्योंकि जब हम लोग गाना बनाते हैं हम लोग सबसे पहला हमारी एफर्ट ये होती है कि गाना अच्छा बने उसके बाद वो हमारे हाथ में नहीं होता वो सिर्फ आपके हाथ में हो जाता है क्योंकि आप उसको बड़ा करते हो वी आर वॉट एवर बिकॉज ऑफ यू गाइज अगर आप लोग नहीं सुनोगे तो हमारे काम का जो भी एफर्ट डालते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है सो वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड अभी भी मुझे याद है गाने के रिलीज़ के पहले वी वर ऑल वेरी नर्वस पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा बट वी ऑल आर वेरी वेरी ग्रेटफुल इट्स अ व्हाट डू कॉल इट इट्स सच अ मिरेकल दैट ऑल ऑफ यू गाइज हैव गिवन अस सो मच लव इतना प्यार हर गाने को और मूवी को भी इतना ज़्यादा सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल कि आपने ये सब इतना प्यार दिया जी आपको ऐसे सिंगर क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले अगर आपने कोई कमेंट्स पढ़े हो अगर ऐसा कोई कमेंट्स मेंशन करना चाहे या फिर अगर कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में फ्रेंड्स और फैमिली ने अगर कुछ दिया आई थिंक द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट वाज शाहरुख सर व्हेन वी मेट हिम क्योंकि फिल्म रिलीज हो गई थी और शाम को हमारी स्क्रीनिंग थी और वो इतने खुश थे कि फिल्म लोगों को पसंद आ रही है एंड बहुत प्यार से उन्होंने हमको वेलकम किया मी एज वेल एज माई हस्बैंड रितेश एंड बहुत दिल से दुआ दी बेटा खुश रहो साथ में अच्छे से रहो आई थिंक दैट वाज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट कि ऑफकोर्स हम काम करते हैं बट टू हैव अ हैप्पी लाइफ यू नीड फ्रेंड्स यू नीड फैमिली टू बी टुगेदर एंड उनको मिल करके हमेशा ये लगता है कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट वर्क इट्स ऑलवेज अबाउट एवरी थिंग टुगेदर अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और फैमिली नहीं है साथ में शेयर करने के लिए वो खुशी याद ही हो जाती है सो यस नो इन ये दीपिका एंड शाहरुख सर बोथ ऑफ देम आई थिंक दे आर वेरी वेरी यू नो बहुत फ्रीडम देते हैं काम करने के लिए एंड सिद्धार्थ आनंद इज़ द डायरेक्टर एंड उनकी विजन थी गाने को इस तरह हम यू नो रिकॉर्ड करेंगे इसको शूट करेंगे सो दैट वे आई थिंक शाहरुख सर एंड दीपिका मैम बोथ ऑफ देम दे हैड सो मच फेथ ऑन ऑल ऑफ अस इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे गाना हिट होने के बाद पहला कॉन्सर्ट है इस होली फेस्टिवल जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हमारे देश में आपके लिए इस साल की होली कितनी स्पेशल होगी और अगर इस इवेंट के बारे सबसे इम्पोर्टेंट ये है वी हैव ऑल ऑफ अस हम लोग सब यहाँ खड़े हैं कोविड 3 साल तक था हम लोग अभी यहाँ हैं आई थिंक वी शुड जस्ट फील वेरी ग्रेटफुल कि हम सब हैं यहाँ पर एंड वी आर सेलिब्रेटिंग होली लाइक हम हमेशा से करते थे और ऑफ कोर्स ये मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ डोंट वेस्ट वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने दोस्तों के साथ होली मनाइए यू नो ऑल्सो बी सेफ इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट योर विथ योर फ्रेंड्स फ्रेंड्स डोंट मेक एनीबडी फील अनकम्फर्टेबल अगर कोई होली नहीं खेलना चाहता है गिव देम देयर स्पेस और कोशिश ये करें कि होली खुशी से मनाएं बहुत अच्छे खाने से मनाएं मिठाई से गुजिया से लड्डू से और म्यूज़िक के साथ मनाएं तो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग हियर वी आर ब्रिंगिंग द म्यूज़िक फॉर यू गाइस एंड आई रियली होप सब आएंगे और बहुत हम इंजॉय करेंगे और साथ में गाना गाएंगे आपके इधर से हाँ जी बोलिए मुझे लगता है अगर 10 बार भी बोलेंगे हम 10 बार बजाएंगे इसको अगर वो बोलेंगे कि दो घंटे वही बजाइए हम वही बजाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट राहुल भाई आप अगर इस कॉन्सर्ट के बारे में कुछ बात करना चाहें कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है इस साल शिल्पा जी ऑन बोर्ड आ चुकी है सक्सेसफुल होगा जैसे ये फिल्म सक्सेसफुल हुआ है हमारा कॉन्सर्ट भी सक्सेसफुल होगा और आप लोग सब आना है ना 7th March प्लीज कम ऑल ऑफ यू गाइस वी आर इनवाइटिंग यू प्लीज कम एंड प्लीज कम एंड डांस विद अस और इसमें एक और बात है कि इस इवेंट के जरिए हम सीरिया और जो टर्की में जो अर्थक्वेक आया है उसमें उनके विक्टिम्स के लिए वहां पर भी हम इस रेवेन्यू से कुछ शेयर
डोनेट करेंगे, और पिंक ड्रॉप हमेशा से ये करता आया है। पिंक ड्रॉप ने, पिंक ड्रॉप एंटरटेनमेंट ने कोविड में भी काफ़ी हेल्प की है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो इसमें भी हम इनके साथ मिलकर ये प्लान किए हैं कि जो भी इसमें रेवेन्यू आए उसके ज़रिए हम तुर्की और सीरिया वहाँ पे, हाँ वो भी इंसान है, वो लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। तो अगर हम सोच अच्छा रख के कोई काम करें तो सक्सेस मिलता है, पहला बात तो ये। और दूसरा बात, सबसे पहला चीज़ होता है ह्यूमैनिटी। तो ये एक ह्यूमैनिटी का सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए कि अगर हम कुछ कर सकें, अगर हमारे इंसान कहीं भी तकलीफ़ में है तो हम उसे हेल्प कर सकते हैं। भले हम वहाँ नहीं हैं, हम इंडिया में हैं तो इंडिया का भी नाम, यहाँ से तो हम जो भी हमसे हो सकता है हम यहाँ से कर सकते हैं। और जब शिल्पा मैम को कहा गया तो उन्होंने भी कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, आप करिए, मैं आपके साथ में हूँ। ग्राउंड की कैपेसिटी है 35,000 क्या, 35 to 40,000 नेस्को का, कह रहे हैं कि भर जाए जगह, है ना, बिकॉज़ शी इज अ ग्रेट परफॉर्मर। सिर्फ बेशर अमरंग नहीं, इनके पहले और भी जो गाने हैं, जो सभी गाने हिट हैं, इनके फिल्म फेयर अवार्ड मिला है उनको, वो ग्रैमी के लिए नॉमिनी है और रह चुकी हैं, उनके काफ़ी गाने आज से नहीं, और सब बड़े स्टार के साथ इनके गाने हैं। यू नो, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आया और गया, कोई पॉप सिंगर आया और दो तीन एल्बम निकाला और वो हिट बन गया। शी हैज सॉन्ग्स व्हिच आर रियली स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, यस, बीन देयर फॉर सो लॉन्ग। और अभी तक इनके जितने भी शो है सभी सुपर हिट हुए हैं, तो ये भी उससे सुपर हिट होगा। और बॉम्बे इज वेटिंग टू सी शिल्पा राव परफॉर्मिंग लाइव कॉन्सर्ट। जगह जगह से होली में लोग आते हैं, सूरत से आते हैं, दमन से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, एंड आई थिंक we are going to close selling our tickets much before the event starts. Please come and bring your friends, bring your family, and khushi ye baat hai, is baat ki hai ki main Bihar se hu, and Holi hamare liye bahut bada tyohar hota tha wahan par, aur mujhe wo miss nahi hona chahiye. To aap log aa jana, aisa feel karao ki ha main ghar ko. Actually main bhi Bihar se, Jharkhand se hu, और 2011 से जब मैंने शुरू किया था ये होली का इवेंट शुरू किया था, तो तब भी मैं यही सोच के शुरू किया था कि ये एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे, तब बिहार था, अब झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, तो दैट वाज द रीज़न कि हम यहाँ पे वैसा होली खेलना चाहते हैं। कलर ब्लास्ट होली, कलर ब्लास्ट का नाम इसीलिए रखा गया था कि वो ब्लास्टिंग हम करते हैं, जो कलर के ब्लास्टिंग्स होते हैं, गेट द फील ऑफ दैट कलर्स इन द एम्बियंस, इन द एटमोसफियर, तो वो पूरा माहौल कलर का होगा। इसीलिए हम पिछले 6 साल से ये होली कलर ब्लास्ट करते हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट वन, एज शी सेड कि कोरोना के बाद लोग नहीं निकले हैं बाहर खेलने होली, तो इस बार ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा अभी, हाँ इतना बड़ा फर्स्ट होगा, इतने बड़े साल के बाद आफ्टर कोविड ईयर फर्स्ट होगा। यस यस यस। आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी दैट वी गॉट वुमेन पावर आउट हियर, देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, even our DJ is a woman, I'm also a lady, she's obviously the star of the show, and ye ek bahut bada reason hai ki aaj kal because I think 8th of March is International Women's Day, usse pehle ek din hai, so we are the pre Women's Day celebration as well as Holi, to aap log sabko aana hai because she says Holi color blast hai, aapko aana hai, enjoy karna hai, hum sabko milkar enjoy karna hai. So 7th of March, I want to see everybody guys at Nesco Grounds. We are going to go Besharam Rang with yes, Shilpa ji. We are going to go Besharam Rang with Shilpa. Thank you so much. Haan ji. Tell you something, चाहे पठान हो या वॉर हो या बैंग बैंग धूम बचना है सीन हो, अनवर माई फर्स्ट फिल्म, हमेशा हमेशा हमारा जब भी हम काम करते हैं, कुछ गाना बनाते हैं, कुछ नई फिल्म बनाते हैं, हमारा एफर्ट यही होता है, आप लोग, वी ऑलवेज मेक म्यूज़िक, वी ऑलवेज मेक फिल्म फॉर यू पीपल, वी लाइक आई सेड वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू, अगर आप नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे. सो हमारा फर्स्ट मोटिव आपके लिए होता है. सो जैसे भी गाना आया, चाहे कुछ भी हो,
आर आर हमारी नज़र बुलजाए पे वही होती कि आप क्राउड रिएक्शन क्या है, और जब फिल्म आई तो फिल्म का रिएक्शन क्या होगा। इसलिए हमने किसी से कभी कुछ कहा नहीं, हमने किसी को फोर्स नहीं किया, हमने मोटिवेट भी नहीं किया। हम चाहते थे कि लोग अपने मन से प्यार से ये गाने पसंद करें और फिल्म पसंद करें। एंड आपने बहुत दिल खोल के प्यार दिया है, इसका तो हमको अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा। तो एक ही मैं कहूँगी कि आई थिंक गॉड हैज़ बिन ग्रेट, गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड, एंड यू गाइज हैव बिन सो काइंड। थैंक यू सो मच फॉर अपने दिल में जगह देने के लिए। दैट्स ऑल। 1000 क्लब में भी एंटर कर चुकी है पठान। नहीं नहीं, वो 1000 ही वाज लाइक वेरी पर्टिकुलर। ओके, हियर वी गो। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। Amazing. Go. आपको नहीं लग रहा? वो आपको नहीं लग रहा है? I hope you're fine. Thank you so much guys, thank you.